दोस्तों ये है ASUS का G15 स्ट्रिक्स मॉडल और ये है एक पावरफुल मशीन। आज करेंगे इसकी बात और ये लगभग 6 महीने हो गए, 6 महीने से ज़्यादा मैं यूज़ कर चुका हूँ। क्या परफॉर्मेंस है, कैसी बिल्ड क्वालिटी, क्या दिक्कतें हैं और कैसी परफॉर्मेंस रही है अभी तक 6 महीनों के अंदर, कैसा एक्सपीरियंस रहा है, सब चीज़ें शेयर करूँगा इस लैपटॉप के बारे में। प्राइसिंग उस टाइम कितनी थी, अब कितने की आ रही है और क्या आपको लेना चाहिए। तो जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं, इस लैपटॉप के बारे में बात करते हैं। तो गाइज ये एक पावरफुल मशीन है और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सबसे पहले इसकी बिल्ड और लुक्स की, तो लुक्स एकदम मस्त हैं, किलर हैं और काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। और वहीं अगर बात करूँ इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो यहाँ पर सामने की तरफ यहाँ पर आपको एल्यूमिनियम की जो शील्ड है वो देखने मिलती है, बाकी हर कहीं यहाँ पर प्लास्टिक यूज़ कर रखा है। चाहे बैक की बात करो, यहाँ पर बात करो या फिर अंदर इसके बात करो, हर कहीं आपको प्लास्टिक ही देखने को मिलेगा। तो ऐसी कुछ बिल्ड क्वालिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी। बाकी अगर बात करूँ तो यहाँ पर सामने की तरफ आपको ASUS का लोगो मिलता है जो कि हल्का फुल्का ब्लिंक या फिर लाइट अप होता रहता है। बाकी दोस्तों बात करूँ कीबोर्ड की, तो यहाँ पर ये आपको जो कीबोर्ड मिलता है ये फुल साइज़ का नहीं है, लेकिन यहाँ पर जितनी भी कीज़ हैं वो सही मिल जाती हैं और बहुत सारी जो शॉर्टकट कीज़ हैं वो ऊपर भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं। और हाँ, हल्का फुल्का जो फ्लैक्स है वो हल्का फुल्का है और बॉडी के अंदर भी हल्का फुल्का जो फ्लैक्स है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। वहीं बात करूँ ट्रैक पैड की, तो ट्रैक पैड यहाँ पर आपको फुल साइज़ का मिलता है, कोई बटन वगैरह नहीं है, तो पूरा ट्रैक पैड आप बटन की तरह यूज़ कर सकते हो, कहीं भी क्लिक करके इसको यूज़ कर सकते हो, ऐसा कुछ ट्रैक पैड आप लोगों को देखने को मिलेगा। और जो इसकी RGB लाइटिंग है उसके अंदर, तो मतलब कितने मर्जी जो ऑप्शंस हैं वो आपको इसकी जो क्रिएट है उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। वहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हो उसकी लाइटिंग को, इस लाइटिंग को भी कस्टमाइज कर सकते हो, बंद भी कर सकते हो, चालू कर सकते हो, वो आपकी बैटरी भी ज़्यादा खाती है, तो उस टाइम जब आप चार्जिंग पर लगा के यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पर आप इसको ज़्यादा बढ़िया तरीके से यूज़ कर पाओगे। इसके बाद अगर बात करूँ तो यहाँ पर जो पोर्ट्स और बटन है वो काफ़ी सही है और एक दो की कमी लग सकती है अगर आप ज़्यादा मतलब डिवाइसेस से कनेक्ट करते हो तो, हाँ एक दो जो पोर्ट्स हैं वो आपको कमी देखने मिलती है। इस तरफ 2 USB के पोर्ट्स हैं, 3.5 का जैक है, पीछे की तरफ आपको लैन केबल है, HDMI का पोर्ट है, टाइप सी का यहाँ पर आपको पोर्ट मिल जाता है, जहाँ पर आपको ये लैपटॉप चार्जिंग भी प्रोवाइड करता है 100 वॉट तक की और टाइप सी से आप कुछ भी कनेक्ट भी कर सकते हो। इसके साथ साथ एक USB का जो पोर्ट है वो पीछे की तरफ भी आता है, साइड में यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और पीछे की तरफ यहाँ पर आपको ग्रिल्स वगैरह देखने मिलती है जहाँ से इसकी जो हीट वगैरह है वो पास हो जाती है। इसके साथ साथ मैं बताना भूल गया, चार्जिंग के लिए जो स्लॉट है वो यहाँ पर दे रखा है, दूसरा वाला भी। सारे जो केबल मैनेजमेंट है वो पीछे की तरफ है, अगर आप सेटअप वगैरह करते हो तो जितनी भी केबल्स हैं वो पीछे की तरफ चले जाएंगी। बाकी वेट वगैरह की बात करूँ तो ये लगभग 2 किलो के आसपास आता है और यहाँ पर इसकी जो बिल्ड क्वालिटी उसके हिसाब से काफ़ी सही है। और हाँ एक चीज़ मैं बताना भूल गया, इसकी लुक्स के अंदर की जो RGB लाइटिंग है, चाहे मैं कीबोर्ड्स की बात करूँ या फिर यहाँ पर जो लाइटिंग दे रखी है इसके बॉर्डर पे नीचे, ये एक नंबर लगती है। अगर अंधेरा हो, हल्की हल्की लाइट जल रही हो, तो इसके जो लुक है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है। मतलब लोग पूछेंगे जरूर कि मतलब क्या चीज़ है ये, क्या बवाल क्या मचा रखा है ये, क्या बढ़िया सी चीज़ है। अब जितनी अच्छी इसकी बिल्ड और डिज़ाइन है उतने ही अच्छे, बल्कि उससे बहुत ज़्यादा अच्छे इसके जो फीचर्स हैं वो भी हैं, तो उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको Ryzen 9 मिल जाता है और ये 5900HX के साथ आता है, 8 Core 16 Threads के साथ ये वाला जो लैपटॉप है ये आपको देखने मिलेगा। बाकी यहाँ पर अगर बात करूँ तो 16 GB रैम है और 1 TB SSD मिल जाती है आपको लेटेस्ट वाली। वहीं अगर बात करूँ तो यहाँ पर इसके ग्राफिक कार्ड की, तो यहाँ पर आपको 3050 Ti वाला जो वेरिएंट है वो मैंने परचेज किया था। अब यहाँ पर मैं बताऊंगा अभी कि कैसी परफॉर्मेंस है इस ग्राफिक कार्ड की भी और किसके लिए ये बना हुआ है। और यहाँ पर अगर बात करूँ तो 90W की TGP और Wi-Fi 6 के साथ ये आता है। और वहीं बात करूँ तो ये जो है लैपटॉप 32 GB तक एक्सपेंड कर सकते हो उसकी जो रैम है, अभी 16 GB है तो 16 GB और एक्सपेंड कर सकते हो इस लैपटॉप के अंदर। अब गाइस फीचर वगैरह तो बता दी, लेकिन सबसे जो मेन USP इस लैपटॉप की है वो है डिस्प्ले। और डिस्प्ले के बारे में कैसे मैं बोल सकता हूँ बताना आप लोगों को, तो डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये IPS डिस्प्ले है, यहाँ पर आपको OLED वगैरह नहीं मिलता इस बजट के अंदर और जो फीचर है वो OLED में मिलेंगे भी नहीं। इसके बाद अगर बात करूँ तो ये जो डिस्प्ले है ये 300 nits के साथ आती है और यहाँ पर आपको 300 फास्ट रिफ्रेश रेट है वो भी मिल जाता है। इसके बाद बात करूँ तो ये एंटी ग्लेयर है और यहाँ पर आपको जो डिस्प्ले है sRGB मिलती है 100%। जो बेजल्स हैं बहुत ही मिनिमलिस्टिक लगते हैं, बहुत ही कम मिलते हैं, अगर आप लैपटॉप के हिसाब से देखोगे तो मतलब बिल्कुल भी यहाँ पर जो बेजल्स हैं वो आपको नहीं देखने को मिलेंगे। अब जो बेजल्स इतने कम है तो कंपनी ने सोचा चलो यहाँ से वेबकैम ही हटा देते हैं, तो क्या वेबकैम की मतलब वैसे ज़रूरत भी नहीं थी और वेबकैम हटा भी रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वेबकैम का इतना कोई काम नहीं पड़ता। जिनको वेबकैम का काम नहीं है वो इसकी तरफ जा सकते हो, ये एक प्लस पॉइंट है।
और वहीं अगर बात करूं तो ये जो लैपटॉप है डॉल्बी एटमॉस को भी सपोर्ट करता है ऑडियो वाइज भी। अब वहीं ऑडियो की स्पीकर की आउटपुट की बात करूं तो बता दूं यहां पर बता नहीं रखा कि कितने वॉट के स्पीकर हैं, 2 वॉट के 3 वॉट के, लेकिन आउटपुट 2 वॉट जैसे लगती है। बैट वगैरह पे रख के चलाओगे तो बिल्कुल आवाज नहीं आएगी, टेबल वगैरह पे रखोगे तो थोड़ा सा लिफ्ट अप हो जाता है, तो वहां पर जो ऑडियो है वो काफी सही आती है, मतलब कोई दिक्कत नहीं। अगर आप साइलेंट रूम में बैठे हो तो आराम से मूवीज वगैरह इंजॉय कर पाओगे, बहुत ज्यादा कम भी नहीं है और बहुत ज्यादा लाउड भी नहीं है। इसके बाद काफी लोग पूछेंगे कि गेमिंग लैपटॉप है, बैटरी कितनी चलती है इस लैपटॉप की, तो बता दूं शुरुआत में जब ये लैपटॉप लिया था तो लगभग 2-2.5 घंटे चल जा रही थी इसकी बैटरी। फुल ब्राइटनेस की बात कर रहा हूं और 300 मतलब फुल रखता हूं मैं तब इतनी बैटरी चलती है, और अगर अब की बात करूं तो लगभग 1 घंटा 1:20 1:30 इतना कुछ चलती है अगर मैं फुल ब्राइटनेस और 300 हर्ट्ज पे इस डिस्प्ले को रखता हूं तो ऐसा कुछ आउटपुट ये दे पाती है। अब काफी लोगों को जानना होगा कि इसका जो स्कोर है वो कितना आता, तो यहां पर मैं स्क्रीन के ऊपर डाल रहा हूं सिनेबेंच का और गीक बेंच का जो स्कोर्स है वो यहां पर आप देख पा रहे होगे। मल्टी कोर सिंगल कोर दोनों का मैंने टेस्ट है वो यहां पर क्या हुआ है, लेकिन अगर मोटे मोटे आउटपुट की बात करूं तो क्या आउटपुट है गेमिंग के अंदर परफॉर्मेंस के अंदर, इसकी बात करना जरूरी है। अब गाइस मैं बात करना चाहूंगा इसके गेमिंग की परफॉर्मेंस की, कैसा आउटपुट ये देता है 3050 Ti के साथ, और यहाँ पर ये प्रोसेसर कितना मतलब काम करता है कितना काम नहीं करता। तो बता दूँ ये जो प्रोसेसर है और ये जो ग्राफिक कार्ड है ये मैं बोलूँगा इनका जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत ज़्यादा प्रो लेवल वाले गेमर्स के लिए नहीं है। कैजुअल जो गेमिंग करते हैं, कभी जैसे गेमिंग कर ली मैंने GTA Vice City खेलनी है वो खेल ली, या फिर कोई छोटी मोटी जो गेम है मतलब गेम तो बड़ी है ये, लेकिन फिर भी अगर कैजुअल खेलना है मतलब बहुत ज़्यादा मतलब आपको हार्ड लेवल नहीं खेलना, बहुत ज़्यादा FPS नहीं चाहिए तो उनके लिए है। मैं कहूँगा अगर आपको बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल चाहिए तो हार्ड कोर गेमिंग चाहिए तो मैं कहूँगा 3050 Ti से ऊपर 3060 या फिर उससे ऊपर जा सकते हो। ये प्रो लेवल वालों के लिए नहीं है, कैजुअल जो गेमिंग करना चाहते हैं उन लोगों के लिए काफ़ी सही तरीके से काम करती है। यहाँ पर मैं FPS भी दिखा दे रहा हूँ, GTA Vice City जब मैं खेल रहा था तो लगभग वहाँ पर मैं एकदम एक्सट्रीम सेटिंग्स नहीं थी, मतलब बोलूँगा थोड़ा सा कम था, और वहाँ पर जो FPS थे वो लगभग 70 से लेके 110-120 के बीच में कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट होते रहते हैं और वो गेम के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। इसके बाद मैंने PUBG भी ट्राई करके देखी एमुलेटर से, तो वहाँ पर जो FPS है वो लगभग 50 आते रहते हैं जब मैं सेटिंग्स में वहाँ पर एक्सट्रीम पे और जो पहला स्मूथ वाला जो ऑप्शन होता है वहाँ पर अगर मैं करके खेल रहा हूँ तो वहाँ पर लगभग इतने ही FPS आते हैं 50 से 60 के बीच में, और अगर आप सेटिंग्स को हाई कर दोगे तो मतलब वहाँ पर 32-33 के आसपास ही जो FPS है वो आते हैं। इसके बाद एक और गेम है जो रेसिंग गेम है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, GT Rush करके, उसका जो गेमिंग एक्सपीरियंस है मैं बताया तो वो जो गेम है काफ़ी बढ़िया है, 12-13 GB की गेम है और वहाँ पर जो एक्सपीरियंस था वो काफ़ी बढ़िया था, ग्राफिक्स काफ़ी अमेजिंग है। वहाँ पर जो FPS है वो लगभग कभी कभी 150-200-300 तक भी चले जाते हैं, लेकिन एवरेज वो जो मैं बोलूंगा 120-150 के आसपास ही रहते हैं। तो यहां पर कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है गेमिंग के अंदर। वहीं बात करूं टेम्परेचर्स की तो यहां पर अब बढ़िया तरीके से गर्मी पड़ रही है, और अब मैं बताता हूं यहां पर जो टेम्परेचर रहता है इसका 90+ ही रहता है, 90-95 के आसपास ही इसका जो टेम्परेचर है वो आप देख भी पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर। अब गाइस बात करते हैं यहां पर अगर आप एडिटिंग वगैरह के लिए ले रहे हो या फिर प्रीमियर प्रो इस पे यूज करना है, 4K में एडिटिंग करनी है तो उसके लिए क्या रिस्पॉन्स है। अगर मैं फोटोशॉप की बात करूँ तो फोटोशॉप के अंदर तो मतलब एकदम मक्खन मलाई है, कितनी भी बड़ी रॉ फाइल आप ले सकते हो, कोई आप मल्टी लेयर में काम करना चाहते हो कितनी भी लेयर्स में काम करना चाहते हो हैंग नहीं होता, 100-200 MB की जो PSD बनती है उस पर आप आराम से काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर, तो छोटा सा काम है इसके लिए। मैं अगर बात करूँ अगर मैं प्रीमियर प्रो की और वहाँ पर अगर आप एडिटिंग करना चाहते हो 4K में, तो 4K में अच्छी तरीके से एडिटिंग हो जाती है, कहीं लैग नहीं करता, कहीं हैंग नहीं करता, जो रेड फाइल बन जाती है उसको भी आराम से टैकल कर लेता है, कोई दिक्कत वहाँ पर नहीं आती। वैसे मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं करा, लेकिन हाँ एक दो फाइलें मैंने यूज़ करके देखी हैं, रेंडर भी करके देखी हैं। अगर आप एक दो लेयर का काम कर रहे हो, मतलब एक वीडियो की लेयर है उसके नीचे एक और मतलब आपने बी रोल्स वगैरह लगा दिया, फिर एक और जो अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना लेयर होती है वो लगा दी, तो वहां पर लगभग मैं बोलूंगा कि अगर 5-6 मिनट की वीडियो है तो लगभग ये 10-12 मिनट के अंदर उसे कर देता है, मतलब रेंडर कर देता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती वहां पर। और ये मैं 1080p की बात कर रहा हूं, अगर 4K में करोगे तो थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग सकता है। अब गाइस प्राइसिंग की बात करूं तो ये जो लैपटॉप है ये मैंने लिया था 1,25,000 रुपए का, उस टाइम इसकी प्राइसिंग थी नवंबर 2021 के अंदर। अब जो इसकी प्राइसिंग है वो लगभग है 1,10,000 रुपए के आसपास या फिर 9,000 रुपए के आसपास, तो मैं कहूंगा अभी भी काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि इसकी जो डिस्प्ले है वो काफी ज्यादा अमेजिंग है, 100% sRGB 300 nits की ब्राइटनेस, 300 Hz का यहाँ पर आपको जो रिफ्रेश रेट है वो देखने को मिल जाता है, तो इसलिए वो डिस्प्ले के मामले में काफ़ी अमेजिंग, और Ryzen 9 भी यहाँ पर मिल रहा है, तो ये चीज़ें काफ़ी बढ़िया थी, इसलिए
मुझे लगता है कि काफी बढ़िया प्रोडक्ट है इस बजट के अंदर। और हाँ, अगर आपका बजट है कम और गेमिंग करनी है ज्यादा, तो मैं कुछ लैपटॉप्स के जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको बाय वगैरह करने हो तो उनको भी बाय कर सकते हो, वो वैल्यू फॉर मनी होंगे अगर आप गेमिंग के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो। बाकी ये ओवरऑल लैपटॉप था और ऐसा था कुछ मेरा एक्सपीरियंस इस लैपटॉप को लेकर। और आप काफी लोग पूछेंगे क्या कोई कमी है इसके अंदर या फिर कुछ कमी आपको देखने को मिली, तो बता दूं एक छोटी सी कमी है, दो छोटी सी कमी मुझे देखने को मिली। इसका जो ब्लूटूथ है कभी कभी डिस्कनेक्ट हो जाता है। डिस्कनेक्ट का मतलब है कभी उसके अंदर फ्लक्चुएशन आती रहती है। ऑडियो प्रोडक्ट में हमेशा मेरे को पेयर करके अनपेयर करके फिर पेयर करना पड़ता है, तब वो ठीक से काम करता है, वरना कभी कभी दिक्कत आती है। दूसरी जो प्रॉब्लम वो मुझे फेस करनी पड़ी है इसकी बैटरी को लेकर। पहले जो बैटरी थी लगभग 2-2.5 घंटे चल रही थी, अब इसकी जो बैटरी है 6-7 महीने के अंदर ही इसकी बैटरी 1-1.5 घंटा ही चलती है। और ऐसे कोई प्रॉब्लम दिखा नहीं रहा है, लेकिन फिर भी बता रहा हूं बैटरी गेमिंग लैपटॉप की बहुत कम चलती है। तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस था। बाकी अगर आपके कोई क्वेश्चन वगैरह रह गए हो जो मैंने बता ना पाया हूं इस लैपटॉप के बारे में, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो उस लैपटॉप के बारे में। और इसकी जो बाय वगैरह लिंक है मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट भी कर लेना अब कितने प्राइसिंग का है और कितना ऑफर आपको देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। चैनल पर पहली बार आए तो जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलूंगा आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो के अंदर।